नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अंशली आनंद। उत्तर प्रदेश की खबरों पर नजर डालते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने किया है सभी जिला समितियों को भंग। कांग्रेस विधायक अजय कुमार लल्लू को बनाया गया पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी। उत्तर प्रदेश के तमकुही से विधायक हैं अजय कुमार लल्लू। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस बड़े बदलाव के मूड में है। कर्नाटक के बाद अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने सभी जिला समितियों को भंग कर दिया है। कांग्रेस विधायक अजय कुमार लल्लू को पूर्वी उत्तर प्रदेश के संगठन के फेरबदल का प्रभारी नियुक्त किया गया। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि हाल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए हर सीट पर 2 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद 13 विधानसभा सीटें खाली हुई हैं, जिन पर जल्द ही उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस उपचुनाव के जरिए हार के बाहर निकलना चाहती है, तो अब नए तरीके से फेरबदल किया जाएगा कांग्रेस पार्टी में। उपचुनाव है विधानसभा चुनाव को लेकर, और अभी से ही पूरी तैयारी की जा रही है, क्योंकि अब कांग्रेस बिल्कुल तैयारी में है कि जो हार का झटका लगा था लोकसभा में, तो कम से कम इस उपचुनाव में जीत के बाद एक कार्यकर्ताओं में जोश भी आ जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने किया है सभी जिला समितियों में बदलाव। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। पंकज, बड़ा फेरबदल किया गया है कांग्रेस की तरफ से, तो आपको क्या लगता है, जो उपचुनाव होना है तो अभी से ही पूरी तैयारी हुई है, जुटी हुई है कांग्रेस, और एक संदेश भी देना चाहते हैं कार्यकर्ताओं में कि अब हमें जीतना है, और एक जोश भरने की कोशिश की जा रही है पार्टी की तरफ से? देखिए, लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद प्रियंका गांधी जब बैठक की थी खासकर उत्तर प्रदेश के नेताओं के साथ, तो उन्होंने साफ तौर से कहा था कि अगर जीतना है तो संघर्ष करना होगा, मेहनत करना होगा, जी जान से लग जाना होगा। और उन्होंने संकेत भी दिया था कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जो संगठन है उसमें व्यापक पैमाने पे फेरबदल किया जाएगा, और वो संकेत आज प्रियंका गांधी ने सच साबित कर दिया। और कांग्रेस में व्यापक पैमाने पे संगठन में फेरबदल, अभी नई नियुक्तियां तो नहीं की है, लेकिन जिला संगठन को पूरी तरीके से भंग कर दिया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश का प्रभारी अजय कुमार लल्लू को बनाया गया है, जो कांग्रेस में विधानमंडल दल के नेता भी हैं। अजय कुमार लल्लू काफी जुझारू हैं, विधानसभा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं कई सारे मामलों में। देवरिया में अभी धरना प्रदर्शन भी किया था, जेल भी गए थे, उसी को देखते हुए उनको प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। खास तौर पे उत्तर प्रदेश में 12 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, उसको देखते हुए इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा आने वाले दिनों में बड़े व्यापक पैमाने पे भी संगठन में फेरबदल होंगे, क्योंकि जब प्रियंका गांधी 2000 चुनाव से पहले जब उत्तर प्रदेश की प्रभारी और पूर्वी जोन की प्रभारी के साथ साथ महासचिव बनाई गई थी, तो संगठन में कोई फेरबदल नहीं किया गया था। ये बात सामने आई थी कि चुनाव अवसर पे है, ऐसे में संगठन में फेरबदल किया जाएगा तो गुटबाजी होगी, संगठन जल्दी तैयार नहीं होगा। उसी संगठन के तहत चुनाव कर लोकसभा किया कांग्रेस ने, और नतीजा सबके सामने है। कांग्रेस अपना गढ़ भी नहीं बचा पाई, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी चुनाव हार गए। अब संगठन में फेरबदल की लगातार आवाजें उठ रही थी, राज बब्बर ने इस्तीफे की पेशकश भी कर दी थी, और कई नेताओं ने लगातार इस्तीफा दे रहे थे। आज एक बार कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जो उनके संगठन थे उसको भंग करते हुए अजय कुमार लल्लू को उसका प्रभारी बनाया गया है। सारी रिपोर्ट अजय कुमार लल्लू को की जाएगी, और खासकर उपचुनाव को देखते हुए अहम जिम्मेदारी अजय कुमार लल्लू को सौंपी गई। बिल्कुल पंकज, लेकिन सवाल ये उठता है कि लोकसभा चुनाव की बात की जाए, संगठन पर ही सवाल उठता है। यहाँ पे नाराजगी भी देखने को मिली थी, कुछ दिन पहले बैठक हुई थी हार पर समीक्षा करने के लिए, लेकिन जब तक संगठन में फेरबदल नहीं होगा एक बदलाव नहीं हो सकता। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस अब दिशा में सोचने लग गई है, क्योंकि अब ये कांग्रेस पार्टी भी समझ गई है कि जब तक संगठन में बदलाव नहीं होगा, जो हार का सामना करना पड़ रहा है, ये हार का सामना आगे भी करना पड़ सकता है? देखिए, बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि कांग्रेस में आज के डेट में भी वही नेता संगठन या अच्छे पदों पे कब्जा किए हुए हैं, जो काफी पुराने समय से लगातार चले आ रहे हैं। वो अपने अपने क्षेत्रों में वर्चस्व रखते हैं, अपने से जो नीचे नेताए हैं, जो भी उनके कनिष्ठ हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, जिनका उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार, ऐसे कई नेता जिनका नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस में अच्छे पदों पे हैं या संगठन में उनको अच्छी पकड़ है, जिसके चलते उन्हीं की चलती है, और उसको देखते हुए कोई छोटा नेता, बड़ा नेता या अपने क्षेत्र में जिसका वर्चस्व होता है, वो नेता उस बड़े नेता
के छत्छाया में आगे नहीं बढ़ पाता, और यही कारण है कि प्रियंका गांधी लगातार इस बात का जिक्र कर रही थी और कांग्रेस को भी शायद लगा कि आप उत्तर प्रदेश में जो संगठन है उसको जब तक पुनर्गठन नहीं किया जाएगा तब तक कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कोई भी प्रदर्शन बेहतर नहीं कर पाएगी। सबसे खास बात यह है कि संगठन को जब तक मजबूत नहीं किया जाएगा, बूथ स्तर पर मजबूती नहीं प्रदान की जाएगी तब तक कांग्रेस, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस की स्थिति है वो सबके सामने है, इसी को देखते हुए संगठन को फेरबदल करने के लिए प्रियंका गांधी ने एक निर्णय लिया है और सभी जिला कांग्रेस की कमेटियों को भंग कर दिया है और अजय कुमार लल्लू को प्रभारी बनाया है। आप देखना ये होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस और उत्तर प्रदेश के संगठन में कितने बड़े पैमाने पर फेरबदल करेगी, कौन से नए चेहरे को लेकर के सामने आएगी, क्योंकि नए चेहरे के साथ प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में आई थी, उन्हीं के भरोसे उत्तर प्रदेश की नैया पार करने की कोशिश की गई थी लेकिन वो पूरी तरीके से फेल हुई। अब देखना है प्रियंका के साथ बिल्कुल पंकज, अब देखना है कि कैसे संगठन में बदलाव के बाद क्या रिजल्ट मिल पाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।